भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा ने शुक्रवार को प्रदेश अध्यक्ष शालिनी राजपूत के नेतृत्व में प्रदेश के गृह मंत्री के निवास का घेराव कर जंगी प्रदर्शन किया और सुकमा जिले के पोटा केबिन बालिका छात्रावास में एक 5 वर्षीय बच्ची के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म का कड़ा विरोध किया। प्रदर्शनकारी महिला मोर्चा कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पुलिस ने बैरिकेड्स लगा रखे थे, लेकिन महिला मोर्चा कार्यकर्ताओं ने उन अवरोधों को पार करके मंत्री के निवास का घेराव किया। इस दौरान भाजपा महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष शालिनी राजपूत ने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार प्रदेश में बढ़ते अपराध का सबसे बड़ा कारण कांग्रेस है। आज प्रदेश में छोटी छोटी बच्चियां भी सुरक्षित नहीं हैं। लगातार प्रदेश में दुष्कर्म की घटनाएं घटित हो रही हैं, जिस पर न तो प्रदेश सरकार और न ही उसके मंत्रिमंडल के किसी भी मंत्री की नज़र है। वर्तमान की कांग्रेस सरकार है वो गुंडा राज चला रही है, अपराधी बेकाफ हैं, प्रशासन को कोई डर नहीं है। और जिसकी परिणति ये हुई, 3 वर्ष की बच्ची का सुकमा के पास बलात्कार हो जाता है और हमारे गृह मंत्री चुप्पे साधे हुए बैठे हैं और तो और वहाँ के स्थानीय मंत्री वहाँ झांकने तक नहीं गए हैं। इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति छत्तीसगढ़ में ना हो, इसलिए आज हम गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू का घेराव करने के लिए यहाँ पर आए हैं, जहाँ पे पुलिस बलपूर्वक हमको रोक रही है। हम यहाँ बेटियों के सम्मान के लिए, बेटियों की सुरक्षा के लिए यहाँ पर आए हैं। जिस प्रकार निर्भया कांड हुआ था, उसी प्रकार की पुनरावृत्ति है, वो छत्तीसगढ़ में प्रारंभ हो चुकी है। आगे इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इसलिए भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा ताम्रध्वज साहू से इस्तीफा मांगी। For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28.